रोही एक बार फिर बाजी ले गया। पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रोही पर, जिमनी इलेक्शन 2018 का पहला नतीजा पाम 45 के साथ सिर्फ रोही की टेलीविजन स्क्रीन पर। रहीमिया खान पीपी 261 पोलिंग स्टेशन नंबर 103 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीटीआई के फवाज अहमद 202 वोट लेकर आके, नून लीग के मोहम्मद तारिक 25 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। रोही एक बार फिर बाजी ले गया। पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रोही पर, जिमनी इलेक्शन 2018 का पहला नतीजा फॉर्म 45 के साथ सिर्फ और सिर्फ रोही की टेलीविजन स्क्रीन पर। पीपी 261 पोलिंग स्टेशन नंबर 103 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीटीआई के फवाज अहमद 202 वोट लेकर आगे, नून लीग के मोहम्मद तारिक 25 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। हम आपको अपडेट कर रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा पहला जिमनी इंतखाबात, पीटीआई के फवाज अहमद 202 वोट लेकर आगे, नून लीग के मोहम्मद तारिक 25 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। एक बड़ा मार्जिन पीटीआई के फवाद अहमद की जानिब से शेर पंजे नहीं गाड़ सका है, महज 25 वोट नून लीग के उम्मीदवार को पड़े हैं। रोही एक बार फिर बाजी ले गया। पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रोही की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर यह रहा, जिमनी इलेक्शन 2018 का पहला नतीजा फॉर्म 45 के साथ सिर्फ रोही पर। पीपी 261 पोलिंग स्टेशन नंबर 103 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, पीटीआई के फवाज अहमद फवाज 202 वोट लेकर पहले नंबर पर, नून लीग के मोहम्मद तारिक 25 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। एक बड़ा मार्जिन, बड़ी लीड बल्ले की जानिब से शेर दूसरे नंबर पर, महज 25 वोट मिले। तब्दीली सर चढ़कर बोलने लगी। पीटीआई के फवाज अहमद को 202 वोट पड़े हैं। रोही बाजी ले गया, जिमनी इलेक्शन 2018 का पहला नतीजा फॉर्म 45 के साथ रोही की टेलीविजन स्क्रीन पर। रहीमिया खान पीपी 261 पोलिंग स्टेशन नंबर 103 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, पीटीआई के फवाज अहमद 202 वोट लेकर आगे, बल्ला चल गया नून लीग के मोहम्मद तारिक 25 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। शेर पीछे दिखाई देता है, काफी पीछे है, लंबी चौड़ी लीड है पीटीआई के उम्मीदवार की जानिब से। पोलिंग स्टेशन नंबर 103 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा फॉर्म 45 के साथ टेलीविजन स्क्रीन पर।